हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियोस के चैप्टर के वीडियोस बनाते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर्स आप जो नहीं करवाते। तो ये आपकी शिकायत थी, कंप्लेन थी, तो चलिए आज इसको मैंने सीरियसली लिया हुआ है। और आज मैं आपको बुक जो है कि न्यू लॉन्गमैन विस्टास, न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक से क्लास 7 से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, उसका आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा के देता हूँ। ये पूरी वीडियो मैंने उसी पे बनाई हुई है, ठीक है? हालांकि मेरी फिर भी ये सलाह है आपको कि अगर चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से आप अगर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, आपके थिंकिंग ऑर्डर को बढ़ाता है, आपकी राइटिंग एबिलिटी के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाते हैं, पहले तो आपको खुद से प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो चलिए मैं आज आपकी हेल्प करता हूँ। और धीरे धीरे क्लास 7 के हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन आंसर आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे दूंगा। तो एक्सरसाइज के वीडियो तो मैंने पहले ही बना रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉल्स वगैरह के मैंने पहले ही बना रखे हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं बनाई थी तो अब ये चीज़ भी आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। वाई वॉज द इंक्रीज इन लैंड एंड टैक्स इम्पोज्ड बाई मुहम्मद बिन तुगलक इल टाइम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं इसकी हिंदी भी समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएँ। कह रहा है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने जो लैंड टैक्स बढ़ाया था वो बुरा साबित क्यों हो गया, उसी के खिलाफ क्यों चला गया। आइए देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। बिन तुगलक इंक्रीज लैंड टैक्सेस इन दोआब। दोआब के एरिया में बिन तुगलक ने लैंड टैक्स बढ़ाया था। दोआब क्या होता है? ऐसी ज़मीन जिसके दोनों तरफ पानी बह रहा हो, दोनों तरफ नदी हो, बीच में जो ज़मीन खाली हो उसको दोआब कहते हैं। तो वो बहुत फर्टाइल एरिया होता है। व्हेन टैक्स वेयर इंक्रीज्ड टू 50% टू प्रोड्यूस ऑफ एट ए टाइम। एक बार में जो अनाज पैदा होता था उस पर 50% तक जो है कि टैक्स बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? बिन तुगलक द्वारा। द एरिया वॉज डीपली अफेक्टेड बाई फेमिन। और उस समय जिस एरिया में ये टैक्सेस बढ़ाए गए थे उस एरिया में क्या हुआ था? तो अकाल पड़ा हुआ था। फेमिन का मतलब बारिश नहीं होती थी तो फसलें अच्छी नहीं होती थी, अधिकतर फसलें खराब हो जाती थी, थोड़ा बहुत फसल होता था। तो अब टैक्स में क्या देगा किसान और खुद क्या खाएगा, ये मुसीबत हो जाती थी। एम्पल ग्रेन्स वेयर नॉट प्रोड्यूस्ड। पर्याप्त मात्रा में ग्रेन जो है कि प्रोड्यूस नहीं हो पाए थे। द फार्मर्स वर नॉट इन कंडीशन टू पे टैक्स। और फार्मर जो है कि टैक्स देने की हालत में नहीं थे। दिस कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट एमंग द पीजेंट्स। और इस चीज़ ने जो है कि पूरे किसानों के मन में, सब किसानों के मन में बिन तुगलक के लिए जो कि नफरत भर दी और वे सब उससे असंतुष्ट हो गए। तो ये आंसर आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। व्हाट स्टेप्स डिड अलाउद्दीन खिलजी टेक टू डिसकरेज करप्शन। आपके बुक में खिलजी की स्पेलिंग यही दी हुई है जो मैंने यहाँ नोट किया हुआ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी ने करप्शन को, भ्रष्टाचार को डिस्करेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अलाउद्दीन फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़। सबसे पहले तो ये काम किया अलाउद्दीन ने कि जितने भी चीज़ें थीं, ज़रूरी चीज़ें थीं, चाहे वो ग्रेन हो, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो स्लेव्स हो, चाहे वो कैटल्स हो, ठीक है, इन सबका प्राइस उसने फिक्स कर दिया कि इस से नीचे आप नहीं बेच सकते या इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। अगर ऐसा करते पाए गए तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ही अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ मार्केट। उसने मार्केट का कंट्रोलर जो है कि नियुक्त कर दिया, जिसे शहनाई मंडी कहा जाता था उनकी जबान में, उनकी भाषा में। एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर्स नोन एज बरीद। इसमें बड़ौदा टाइप हो गया है, बरीद, ठीक है। तो ऐसे ऑफिसर्स जो कि इस सब की निगरानी करते थे उनको बरीद कहा जाता था। वे आर अपॉइंटेड टू इम्प्लीमेंट द मार्केट कंट्रोल मेजर्स। तो मार्केट कंट्रोल के जितने भी नियम कानून बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने वो ठीक से इम्प्लाई हों, ठीक से उनका पालन हो, इसको श्योर करने के लिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी नियुक्त किए गए थे जो कि जासूसी का काम करते थे, जो कि जासूस का काम करते थे, उनको बरीद कहा जाता था। तो ये सारे बंदोबस्त खिलजी ने किया था करप्शन को डिस्करेज करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाई डिड दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर तुगलस। तुगलक के बाद, जो तुगलक वंश था, स्पेशली क्वेश्चन ये पूछना चाहता है
कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक जो वंश था, वो लड़खड़ाने क्यों लगा और वो समाप्त कैसे हो गया? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। दिल्ली सल्तनत बिगेन टू डिस इंटीग्रेट लार्जली आफ्टर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद उस जैसा मजबूत कोई सुल्तान नहीं आया जो कि इस पूरी सत्ता को संभाल सका। बिकॉज द स्ट्रगल ऑफ पावर एमंग द नोबल्स, जो उसके नोबल्स थे, आप जानते हैं कि इससे पहले जितने सुल्तान हुए थे उन्होंने सरदारों का एक समूह बनाया था और वो इनके भी आप पे सरदार जो है कि इनके शासन में इनकी मदद करते थे। तो जो नोबल्स होते थे, ठीक है, जब राजा कमज़ोर होता है तो उससे कम जो पावरफुल होते हैं वो हावी हो जाते हैं, वो भी राजा बनना चाहते हैं, वो भी सुल्तान बनना चाहते हैं। तो नोबल्स आपस में ही भिड़ने लग गए, ठीक है, और सबको मौका मिल गया अपने आप को ऊपर ले जाने का कि भाई हम सुल्तान बन जाए, हम सुल्तान बन जाए। इस चक्कर में बेड़ा गर्क हो गया। द डिस इंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज कम्प्लीटेड बाई तैमूर हु अटैक दिल्ली एंड नेबरिंग एरियाज इन 1398-1399। और जो रही का सही कसर थी, जो बची खुची कसर थी, वो तैमूर ने पूरी कर दी। तैमूर ने 1398 या 1399 के में जो दिल्ली का एरिया था उसमें बहुत भीषण अटैक किया था, और अटैक उसने ऐसा किया था कि दिल्ली सल्तनत हिल गई थी। कोई ऐसा मजबूत राजा नहीं था जो उसके अटैक का सामना कर सके, डटकर के मुकाबला कर सके। तो उसमें मेन आंसर जो था, मेन जो पॉइंट था वो यही था कि नोबल्स जो है कि कंट्रोल से बाहर हो गए थे और वो पॉलिटिक्स करने लगे थे, षड्यंत्र करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। वाई वॉज इल्तुतमिश डॉटर रिमूव फ्रॉम द थ्रोन? इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रज़िया सुल्तान, उसको गद्दी से क्यों हटा दिया गया? ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर देख लेते हैं। द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश रज़िया वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन बिकॉज, जो इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रज़िया सुल्तान, उसे गद्दी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ऑल द नोबल्स इन हर कोर्ट वर अनकम्फर्टेबल एट हैविंग ए लेडी एज ए रूलर। तो एक महिला राजा के तौर पर थी, सुल्तान के तौर पर थी, तो ये उसको ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ठीक है, नो नोबल्स एंड कोर्टियर्स वर रेडी टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ लेडी सुल्तान। एक लेडी सुल्तान के सामने, महिला सुल्तान के सामने झुक करके सलाम करना, उसकी जो है कि रेस्पेक्ट करना, उनको भाया नहीं क्योंकि इसकी आदत उन्हें थी नहीं। दे डिड नॉट कंसिडर अ वोमन इक्वल टू द मैन। वे आदमी को, वो औरतों को आदमी के बराबर नहीं मानते थे। ठीक है, औरतों को पर्दा प्रथा में रखा जाता था। ठीक है, पॉलिटिक्स के कामों में या बाकी कामों में उनको बाहर नहीं निकाला जाता था। ठीक है, हरम तक ही उनकी उपस्थिति रहती थी। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए कि एक महिला शासिका दरबार में खुले रूप में आती थी, बिना बुरके के आती थी, बिना पर्दा के आती थी, और वो मर्दों जैसे कपड़े पहनती थी। अब भाई सुल्तान है, राजा है, तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, सैनिकों के बीच जाना पड़ेगा, लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। तो महिला होकर ये काम करती तो इससे उनको हर्ट, सेंटिमेंट उनका हर्ट होता था। मेन रीज़न इसके पीछे यही था। देयरफॉर डिफरेंसेस विद इन द कोर्ट बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे। तो बहुत सारी जो है कि डिफरेंसेस होने लगी थी, रज़िया सुल्तान से सब खुश नहीं थे, तो डिफरेंसेस बढ़ते गए, मतभेद बढ़ते गए, और अल्टीमेटली रज़िया सुल्तान को जो है कि 2040 के आसपास जो है कि गद्दी से हटा दिया गया सरदारों द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक ड्रॉप द आइडिया ऑफ डेवलपिंग दौलताबाद एज अ सेकेंड और अल्टरनेटिव कैपिटल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपनी सेकेंड कैपिटल बनाने का जो आइडिया था, ठीक है, वो कैसे फ्लॉप हो गया और कैसे उसने इस आइडिया को हटा दिया। आंसर देखते हैं। बिन तुगलक वॉज मोटिवेटेड टू ट्रांसफ़र द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तुगलक को मोटिवेट किया गया, तुगलक खुद मोटिवेट भी हुआ कि अपनी हम कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद कर देते हैं। बिकॉज ही बिलीव दैट दौलताबाद और देवगिरी वॉज मोर सेंट्रली लोकेटेड। उसको विश्वास था, उसका ऐसा मानना था कि दौलताबाद जो है वो सेंटर में है, वहाँ से दूरी जो है कि इक्वल हो जाएगी, तो दौलताबाद से वो दिल्ली को भी आराम से देख लेगा और साउथ के जो स्टेट्स थे उनको भी वो गवर्न कर लेगा। इसी माइंड के सेट के साथ उसने ये प्लान सोचा था। तो दिल्ली, गुजरात, मालाबार और कांपिला, उस समय के जो इलाके थे,
हो सकता है कि ये सब इलाके, उसका ऐसा मानना था कि ये इलाके अगर दौलताबाद में राजधानी बना देगा तो दिल्ली भी उधर से कवर कर लेगा और इक्वल डिस्टेंस पे दोनों हो जाएंगे। हाउएवर ही वॉज फोर्स टू रिटर्न टू दिल्ली बिकॉज ही रियलाइज दैट जस्ट एट इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल साउथ इंडिया फ्रॉम दिल्ली। लेकिन बाद में उसे अपना निर्णय वापस लेना पड़ा क्योंकि बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि जो दूरी दिल्ली से, जो कठिनाई दिल्ली से साउथ को गवर्न करने में है, वही कठिनाई यहाँ से दिल्ली को भी गवर्न करने में उसको हो रही थी। तो प्लान उसका फेल हो गया। फिर उसने सभी प्रजा को, सभी लोगों को दौलताबाद से दिल्ली वापस जाने के लिए कहा। इससे जनता बहुत नाराज़ हुई और उसका बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हुआ क्योंकि कैपिटल दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सारी चीज़ें आपको फिर से वहाँ बनानी पड़ती हैं, फिर से आपको वहाँ बसानी पड़ती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आप दूसरे पे, और 80 to 100 वर्ड वाले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अलाउद्दीन खिलजीज रूल विथ स्पेशल मेंशन टू मार्केट रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मेन क्वेश्चंस को आपको आंसर कर रहा हूँ। आप वीडियो को देखेंगे, चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को आपको शेयर भी करना है, कर देना चाहिए आपको क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। तो आप बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन का मैं अलग वीडियो बनाऊं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी उसमें मैं ले लूं। 50 से 70 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं और 80 to 100 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप अगर कमेंट करेंगे, सुझाव करेंगे, तो मैं 50 to 70 वाले अलग बना दूंगा और 80 to 100 वाले मैं अलग भी बना दूंगा, या कहेंगे तो एक ही वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल था, ठीक है, जो उसने मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, सुधार किए थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया था, उसको आप बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मेड अटेम्प्ट टू सिस्टमटाइज एंड यूनिफाई लैंड रेवेन्यू। सबसे पहले उसने काम क्या किया कि जो लैंड रेवेन्यू था, जो ज़मीन से जो उसको टैक्स आता था, उसको उसने सिस्टमेटिक किया और यूनिफाई कर दिया, एक कर दिया, अंतर नहीं रखा। एंड अर्बन टैक्सेस को भी उसने किया। ही इंस्टीट्यूटेड अ हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम। उसने सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया, पावर एक के हाथ में रखा, कंट्रोल एक के हाथ में रखा, चाबी हर किसी के हाथ उसने नहीं दी। बट अलाउद्दीन रेज्ड द खरज 250%। अलाउद्दीन ने जो खरज नाम का जो आपका टैक्स था उसको 50% बढ़ा दिया, टोटल प्रोड्यूस का, जितना भी किसान अनाज पैदा करते थे उसका 50% वो उसने टैक्स बढ़ा दिया। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट कलेक्शन, और सीधे वसूलने में लग गया वो। ही ऑल्सो इम्पोज टैक्सेस ऑन कैटल्स एंड हाउसेस। उसने पशुओं पे, पशु रखने पे, गाय भैंस बाकी चीज़ें रखने पे भी टैक्स लगा दिया, और घर बनाने पे भी टैक्स लगा दिया। टैक्सेस फ्रॉम दोआब आर एरिया वॉज स्पेंट ऑन पेइंग कैश सैलरी टू सोल्जर्स। उसने जो दोआब का एरिया था, नदी के किनारे के जो हिस्से होते थे जो कि काफ़ी उपजाऊ होते थे फसल उगाने के लिए, वहाँ पे से उसने टैक्स वसूल करके और उस पैसे का उपयोग अपने सैनिकों को, सोल्जर्स को सीधे सैलरी देने के लिए किया। इससे पहले जो व्यवस्था थी वो क्या थी कि जागीर या ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और उससे वो अपना पैसा निकाल लेते थे, ठीक है, जो जागीरदार होते थे। अलाउद्दीन ऑल्सो कंट्रोल द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। अलाउद्दीन ने क्या किया कि जितने भी आवश्यक वस्तुओं के सामान थे, जो जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थीं, आवश्यक जो सामग्री थी, चाहे वो अनाज हो, कपड़े हो, गुलाम हो, पशु हो, जो भी चीज़ें हो, उनका उसने दाम को फिक्स कर दिया। मार्केट को उसने कंट्रोल कर लिया, बिना उसके मर्जी के किसी सामान का दाम आप घटाया बढ़ा नहीं सकते थे। रेट तय हो गया था, उससे ज़्यादा ऊपर बेचने पे, उससे कम बेचने पे जुर्माना था और सज़ा का भी सिस्टम लगाया गया था। तो जो उसका इंचार्ज होता था उसको सैनाई मंडी कहा जाता था, और इन सब की निगरानी हो सके, कोई मनमानी ना करने पाए, इसके लिए उसने गुप्तचरों को भी रखा था, ठीक है, उसने जासूस छोड़ रखे थे जिनको बरीद कहा जाता था, वो जा करके और सुल्तान को सारी रिपोर्ट देते थे कि कौन अपने मनमानी कर रहा है और कौन नियम के अनुसार चल रहा है। तो ये सब चीज़ें करने से लोगों में डर बैठ गया और करप्शन कुछ हद तक कंट्रोल हो गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ फॉर द फेलियर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रोजेक्ट्स। मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, उसने कुछ प्रोजेक्ट चलाए थे, तो वो सारे प्रोजेक्ट उसके फेल हो गए थे, उसमें उसको
हार ही का सामना करना पड़ा और उसकी बहुत ही छालेदर हुई, उसमें बहुत सारा पैसा उसका खर्च हुआ और उसकी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, उसकी काफ़ी आलोचना हुई। तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि कैसे वो फ्लॉप हो गए। आइए इसको देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इनिशिएटेड सम प्रोजेक्ट्स बट ऑल द प्रोजेक्ट्स वर फेल्ड। मोहम्मद बिन प्रोजेक्ट ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है कि चलाए थे लेकिन वो जा कर के सारे फेल हो गए। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस आर, इनके पीछे जो मेन कारण था वो क्या था आपको बताते हैं। ही इंक्रीज द टैक्सेस इन दोआब, उसने सबसे पहले दोआब में टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन जब उसने टैक्स बढ़ाया दोआब में 50% तक बढ़ा दिया, तो जब बढ़ाया तो वो वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, फेमीन था, बारिश नहीं हुई थी, फसलें अच्छी नहीं हुई थी, बहुत कम फसलें हुई थी, पर्याप्त मात्रा में फसलें नहीं हुई थी, तो वहाँ के किसान जो है कि खाने बिना मर रहे थे, तो राजा को टैक्स कहाँ से देते। तो राजा ने फिर भी टैक्स बढ़ा दिया, बिन तुगलक ने फिर भी टैक्स बढ़ा दिया। इस चीज़ से लोग परेशान हो, किसान परेशान हो गए और जनता के बीच असंतोष छा गया। जनता ने समझा कि राजा जब हमारा कष्ट नहीं देख पा रहा है, राजा जब हमारे दुख को नहीं समझ पा रहा है, तो ये राजा कहलाने के लायक है ही नहीं, और सही भी बात थी। दूसरा क्या था, तुगलक है डिसाइडेड टू चेंजिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दूसरा इसने जो प्रोजेक्ट किया वो भी फेल हो गया। उसने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करने का सोचा, ये सोच के कि वो जब दौलताबाद में रहेगा तो दिल्ली को भी गवर्न कर लेगा और साउथ इंडिया के स्टेट्स को भी गवर्न कर लेगा। लेकिन बहुत जल्दी उसको समझ में आ गया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, और इस तरीके से ना वो दिल्ली को ही कंट्रोल कर पा रहा था, ना ही वो दौलताबाद को ही कंट्रोल कर पा रहा था, तो उसका ये भी प्लान फेल हो गया। कुछ दिन रहने के बाद वहाँ पे उसने अपनी सारी प्रजा को आदेश दिया कि दौलताबाद से दिल्ली वापस चलो। प्रजा को इससे काफ़ी कष्ट हुआ, इसके राज्य में जो लोग रहते थे उन लोगों ने काफ़ी कष्ट झेला। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कोई बहुत कम नहीं थी, ज़्यादा दूरी थी, 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी थी। तो बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी प्रजा को, इन स्वयं सुल्तान को भी, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने में पूरा सिस्टम ही ट्रांसफ़र करना पड़ा था। तो ये भी चीज़ें जो हैं कि इनके खिलाफ़ गई और जनता इनसे नाराज़ हो गई। तीसरा क्या हुआ, टेकिंग फ्रॉम कंटेम्प्रेरी चाइनीज़ और ईरानियन रूलर से इन्होंने एक मशवरा लिया था, एक सीख ली थी जो कि वहाँ चल रहा था, कि वो सब क्या कर रहे थे कि टोकन करेंसी का यूज़ कर रहे थे और ब्रॉन्ज के जो कॉइन्स थे वो चला रहे थे। इन्होंने भी क्या किया उसका देखी देखा, जो कि ब्रॉन्ज का एक वो चला दिया, रुपया चला दिया, पैसा चला दिया, जिसको टंका कहा जाता था, और उससे पहले चांदी के सिक्के चलते थे। नतीजा ये हुआ कि सारे जो भी चांदी के सिक्के थे वो मार्केट से गायब हो गए, और लोगों ने, ठीक है, ब्रॉन्ज के जो सिक्के बनाए जाते थे पहले राजा के टकसाल में बनाए जाते थे, लोगों ने अपने घर में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए, और नकली सिक्के, फोर्ज्ड कॉइन्स, नकली सिक्के क्या हुए, मार्केट में आने लगे, लोग घर से ही सिक्के बनाने लगे, क्योंकि वो चीज़ सबके पास थी और चांदी तो सबके पास थी नहीं। तो बहुत सारे नकली जो है कि सिक्के मार्केट में चलने लगे, जिससे राजा को बड़ा घाटा हुआ। तो ये भी इनका प्लान जो है कि फेल हो गया। चौथा क्या था, तुगलक अंडरटूक एक्सपेडिशंस इनटू खुरासान एंड कोराचिल। खुरासान एक इलाका था, कोराचिल भी एक इलाका था जिस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। तो इन्होंने सेना तैयार की और निकल सेना को आदेश दे दे, जाओ तुम लोग विजय करके आओ, जीत करके आओ। तो जब आदेश दिया तो उस समय मौसम दूसरा था, उनको लगे कि मौसम तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन बर्फबारी देर तक होती रही, ठंडी बहुत पड़ती रही, तो महीने दो महीने तक इनकी सेना जो है कि ऐसे खड़ी रही, और उस विकट मौसम में राशन पानी सेना का चलता रहा। तो 2 से 2.5 महीने के आसपास सेना को खड़ा करा करके, सुला करके इनको खाना वाना खिलाना पड़ा, खर्च वहन करना पड़ा, जिससे इनके काफ़ी पैसे खर्च हो गए। ये समय से पहले ही निकल गए थे खुरासान और उसको जीतने के लिए, मौसम विपरीत हो गया, मौसम अनुकूल नहीं रहा इनके, तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनकी खर्च, कई सैनिक ठंड से मारे गए, वो उस माहौल में रहने के आदी नहीं थे, उतनी व्यवस्था उनके पास नहीं थी। अब बाद में जो सैनिक बचे वो वापस लौटाए, इन खुरासान और कोराचिल का कोई जीत नहीं पाए।
तो ये जो चार इनके मेन निर्णय थे, डिसीजन थे, हालांकि चारों डिसीजन ठीक थे, लेकिन अगर उनको सही से एग्जीक्यूट किया जाता, प्रॉपर रिसर्च करके अगर उन्होंने किया होता, तो आज हिस्ट्री में, इतिहास में इनको इनको इतना सुनाया नहीं जाता। काबिल तो ये थे ही, बहुत सारी चीज़ें जानते थे, लेकिन ये जो चार निर्णय इन्होंने लिए, ये इनके एज अ सुल्तान लाइफ में बहुत ही डेडली साबित हुए, और इससे जनता के अंदर बहुत ही नाराज़गी व्याप्त हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा, आप ये भी हमको कमेंट करके बताएंगे। किस शहर से मुझे देख रहे हैं, आप ये भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और क्या अच्छा आपके लिए किया जा सकता है, और किस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप स्किप करके ना देखा करें, वीडियो आप पूरा देखा करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर आप ज़रूर किया करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।